हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में ये चांदनी डिज़ाइन आपको बना के बताऊंगी। मैंने बहुत पहले आप लोगों को कहा था कि मैं ये डिज़ाइन आपको बना के बताऊँगी, तो ये इसमें का जो ऊपर का डिज़ाइन है वो तो मैंने बना के आपको बता दिया था। आज के वीडियो में ये मैं बना के बताऊंगी। बहुत सिंपल है, अगर आप समझ जाते हैं तो इसे आसानी से आप बना लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस डिज़ाइन को आसानी से बनाना सीख पाए। इसमें जो लड़ी का इस्तेमाल है वो लड़ी भी मैं आपको बना के बताऊंगी और ये कैसे ज्वाइंट हुआ है, ये जो देखिए नीचे ये जो ज्वाइन है कि कैसे ज्वाइन हुआ वो भी मैं आपको बना के बताऊँगी। देखिए एक ही लेयर को कम्प्लीट किया गया है, बार बार रिपीट किया गया इस तरह से देखिए, और ये बीच में जितना आप लड़ी ले पाए, जितना घना लड़ी ले उतना ही खूबसूरत लगेगा। और बीच में भी बना हुआ है तो वो मैं इसमें एक नमूने के तौर पे बताऊंगी। देखिए नीचे फ्लावर लगा है, आगे में गेट है, कपड़े की पट्टी में बनी हुई है। मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने कपड़े की पट्टी कैसे बनाई जाती है वो भी मैंने बताया है। ऊपर का भी चांदनी डिज़ाइन कैसे बनता है वो भी मैंने बताया है, झूमर कैसे बनता है वो भी मैंने बताया है। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें मेरे चैनल पे, तो आप आसानी से बनाना सीख पाएंगे। देखिए इस तरह से तीन खंड बना हुआ है, आप जितना खंड बनाना चाहे, चार खंड पाँच खंड, उस हिसाब से आप जितना खंड बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ज्वाइंट है, दोनों को ले कर ज्वाइंट किया गया है और बीच में देखिए ये इस तरह से सिंपल भी बड़ा छोटा उससे छोटा इस तरह से करके बनाया गया है। मैं अच्छे से इसमें आपको समझा रही हूँ इसलिए ताकि जब मैं आगे आपको बना के बताऊँ तो आप अगर ये वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। पूरा डिज़ाइन आप अच्छे से देख लीजिए फिर मैं आपको ये बना के बता रही हूँ। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है अगर आप इसे बनाना चाहें तो, अगर आप नहीं बनाना चाहें तो बहुत ही हार्ड होगा। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इस लेयर को रिपीट किया गया है इसलिए नीचे ये स्टेप बना है। देखिए पूरा चांदनी डिज़ाइन इस तरह से। तो अब चलिए आपने डिज़ाइन तो देख लिया, अब हम इसे कैसे बनाते हैं वो भी आप देखते हैं। तो देखिए हमने पट्टी का इस्तेमाल किया, आप कपड़े की पट्टी में बनाएंगे। इसमें मैंने उनकी पट्टी में मैं आपको बना के बताऊँगी, दो खंड तैयार करके बना के बताऊँगी और वो खंड बनने यहाँ पे हमें क्या करना है, खंड बनाना है। तो आप उस तरह से पट्टी को भाग कर लेंगे, उसमें निशान कर लेंगे आपको जितनी दूरी पे जितना खंड बनाना। ये हमारा बीच है तो मैं एक खंड आपको बना के बता दूँगी, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। तो फिर एक खंड आ गया बनाने तो आप चार खंड उस तरह का पाँच खंड जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बीचों बीच मतलब जो हम भी बनाएंगे एक भी उसके बीचों बीच हमें अब यहाँ पे लड़ी बनाना है। तो ये देखिए सिंपल वाली इस तरह की लड़ी मैंने बहुत अपने चैनल पे बना के बताया, तो इस तरह का लड़ी हमें बना लेना है और इसमें फ्लावर भी ज्वाइन कर लेना है। सबसे बड़ा बनाना है फिर उससे छोटा भी बीच में तैयार करना है। तो मैं ज़्यादा लड़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं ट्रिक के लिए आप लोग को बता रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से ये लड़ी बन गया है, इस बड़ा उससे छोटा। आप इसमें ज़्यादा लड़ी का इस्तेमाल करें, मैंने बस एक तरीके पे आपको बता दिया इस तरह से हमें भी तैयार करना है। और देखिए एक जो भी रेडी होगा तो इस तरह से होगा, साइड में हमें गोल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बांध लेंगे और हमें 10-15 चैन ले लेना है। मैं बस एक खंड बना के बता रही हूँ, उस आप कपड़े की पट्टी में आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम बांध लेंगे। देखिए यहाँ, अब यहाँ बांधने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर सेम उसी तरह का लड़ी बनाएंगे। देखिए इस तरह से लड़ी बनाएंगे। जितना लंबाई हम दे सके उतना लंबाई इसे देंगे और दोहरा करेंगे इसमें, इस तरह का लड़ी बना के। तो इस तरह से देखिए हमने इतना लंबाई इसमें कर लिया है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, भी से ज़्यादा रखेंगे। मैं इसमें ट्रिक बता रही हूँ आपको। और वहाँ पे जहाँ हमारा ख़त्म होगा वहाँ पे हम चैन लेंगे। देखिए इस तरह से उतनी ही लंबाई का दोबारा हमने बना के फिर हम वहीं पे लाके उसे बांध लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसी गोलाई मिलाकर यहाँ पे इस तरह से हम बांध लेंगे। फिर हम इसी तरह का जितना चांदनी में बनाना चाहे इसी तरह का लड़ी हमें 10-12 जितना बनाना चाहे। मैं तो इसमें बस 3 लड़ी बना के बताऊंगी, क्योंकि इसमें बस मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। इस तरह का हमें रेडी कर लेना है। देखिए हमने 3 इसमें का सेम लंबाई वही है, उतनी ही लंबाई में हमें 3 बना लिया है। आप इस तरह का चांदनी में बहुत सारा बनाएं, जितना आपको बनाना हो, लगभग 10-12 जितना घना आप इसे बना सके। तो देखिए ये बन चुका है। अब हम इसे फिर हम अब उस साइड इस तरह का बनाएंगे। देखिए सेम, अब फिर सेम हम इस साइड भी उसी स्टेप्स को रिपीट करेंगे। इस साइड भी यहाँ पे भी सेम यही स्टेप रिपीट होगा। तो सेम यहाँ पे भी हम 10-12 चैन लेंगे और इसे बांध लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड 3-3 हमने बना लिया है खंड, दोनों साइड रेडी है। सेम इसी तरह चांदनी में हमें जितना भी बनाना हो, ये एक भी मैं बना के बताई हूँ, मतलब एक खंड इसी तरह से सेम रिपीट करके आप जितना खंड बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको दूसरे वाले खंड के इसमें ज्वाइन करेंगे। तो कैसे ज्वाइन करेंगे ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, बीच में भी हमारा बन चुका है और इसका जो फर्स्ट वाला लड़ी होगा और वो लड़ी और इधर वाली लड़ी को हम ज्वाइन करेंगे। ये बीच में भी हमारा है, सेम चांदनी में भी सेम यही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ज्वाइन होगा। तो चलिए अब हम ज्वाइन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट साइड में है उसमें हम पहले यहाँ पे बीचों बीच जो उसका है उसे हम बांध लेंगे। यहाँ पे जो इसका बीचों बीच होगा उसमें बांधने के बाद यहाँ हम सेम उसी तरह का गुल्ली बनाएंगे 4। तो देखिए इस तरह का हम 4 रेडी कर लेंगे। इस तरह से जो बीच में गुल्ली टाइप का बना हुआ इस तरह का 4
आप इसमें गुल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल गुल्ली का। तो यहाँ पे देखिए हम चार कर लेंगे, चार करने के बाद तब हम दूसरे लड़ी में से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा चार हो चुका है, दो के बाद हमने दो चैन दिया था, फिर दो हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले खंड में बीचों बीच से बांध लेंगे, फिर उसके बाद फिर चार लेंगे और सेम उसी तरह से हम टोटल एक लेयर बांधेंगे। तो देखिए एक लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड इसे पलट के कैसे करेंगे वो भी देख ले। जब हम साइड में आएंगे तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सेम इस तरह का हम चार बनाएंगे। यहाँ पे चार बनाने के बाद दोस्तों, अगर आप अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए इस तरह से हम चार बना लेंगे। उसके बाद चार बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस दो में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे या फिर हम दो एक्स्ट्रा बना लेंगे। साइड में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना होता है। उसके बाद हम इसे दो के बाद बीचों बीच चार लिया था हमने, उसके बीचों बीच हम इसे बांध देंगे।
तो सेम इसी तरह हम सेकेंड स्टेप भी ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ही हम लास्ट में इसे फिर बांध देंगे। फिर यहाँ से हमें घुमा लेना है और सेम इसी तरह हम 7-8 लेयर तक ले जाएंगे। जितना घना करना हो उतना घना हम इसे कर लेंगे। सबके दो दो घर बाद हम इसे बीच बीच में ज्वाइन करेंगे इसी तरह से। फिर साइड में आएंगे तो इधर करेंगे। तो देखिए ये बीच में हमारा ये भी बनेगा। जितना आपको भी में लड़ी लगे उतना लगाएं। और ये देखिए इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ इस तरह से। ये हमने 3 ही लड़ी लिया। इस तरह का आप जितना लड़ी इसमें चांदनी में बनाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। बीच में और भी लड़ी देके अच्छे से भी बनाएंगे। मैंने इस बस इसमें आपको समझाया है। और नीचे का जो लेयर उसे 7-8 लेयर तक आप इसे ले जाएँ। जितना लेयर ले जाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। और आप गुल्ली का इस्तेमाल करें। फिर उसमें फ्लावर्स भी लगा लेंगे अच्छे से। तो सेम एक खंड मैंने बता दिया। सेम इसी तरह से आपको जितना खंड बनाना हो आप उतना खंड बना सकते हैं। तो मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमें चैन ले लेना है पट्टी में। और यहाँ देखिए बीच में हमारा भी जो रेडी है वो है लड़ी है। फिर देखिए ये नीचे इस तरह से लड़ी बना हुआ है। और ये फिर दूसरा है। तो सेम इसमें हमें बहुत सारा लड़ी ले लेना है। जितना लड़ी ले और जितनी मोटाई रखनी हो आप रखें। देखिए इस तरह से एक भी मैंने आपको बना के बताया था एक खंड। इसी तरह से आप जितना खंड बनाना चाहे। देखिए नीचे इसी तरह से ज्वाइंट है। 4 लिया गया है और इसे ज्वाइंट किया गया है बीचों बीच। और जितना लेयर तक आप ले जाए। देखिए ये साइड में इस तरह से आगे वाले चांदनी में हमें गेट बना लेना है। और ये देखिए बीच में भी बना हुआ है उससे छोटा उससे बड़ा इस तरह से करके। तो आप अच्छे से इस चैनल डिज़ाइन को देख ले समझ ले। क्योंकि मैंने इसमें एक एक स्टेप आपको बताया है कि कैसे बना है क्या करना है। सारे स्टेप्स मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा दिए हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसे बनाने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करें। और कमेंट्स में कोशिश करूँगी आपको बोलने की। अगर दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें। देखिए इस तरह से भी बना हुआ है। आप जितना खंड 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से खंड बना लें और सबको ज्वाइन कर ले। बीच में भी बना ले। देखिए इस तरह से ये मैंने एक खंड आपको बना के बताया था। इस तरह से देखिए कितना खंड बना हुआ है। इस तरह से लड़ी है। इस साइड भी है। तो आप जैसा बनाना चाहे वैसा बन जाएगा। तो पूरे चांदनी को आप फिर से देख ले किस तरह से ये बना हुआ है। देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप देखिए नीचे का जो लेयर है कितना लेयर तक ले गया। देखिए इसे आप जितना लेयर तक ले जाए 5-7 लेयर तक और भी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ।
ताकि आप लोग भी घर बैठे ऐसे डिज़ाइंस बना पाएँ।